प्रिय शिक्षार्थियों शिवराज विजयस्थ योगीराज संवाद के इस द्वितीय भाग में आप सबका स्वागत है आइए हम बढ़ते हैं अपने मूल पाठ की तरफ कवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय का यह योगीराज संवाद निश्चित ही अनेक अर्थों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है तरही अग्रे सरा ततच मया क्रोड़े उपविश्य बालिके कथय क्व ते पितर कथं एतस्श्रमप्रते समायाता किं ते कष्टं कथम रोधी इति पृष्ठा मुग्धतया अपरिकलितवाक्टवा भयेन विशिथिलवचन विन्यासा लज्जया अतिमंदस्वरा शोकेन रुद्धकंठा चकितचकितेव कथं कथमपि अबोधयत् अस्मान य अस्दीस ग्रा ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति अस्य मूलपाठस्य से सरला ततश्च इसके पश्चात जब उस अवस्था में बालिका को देखकर ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा उसे अनेक प्रकार से पूछने पर और जलपान आदि कराए जाने के पश्चात मया क्रोड़े उपविश्य अपने अंक में उस बालिका को बिठाने के पश्चात ब्रह्मचारी गुरु ने कहा बालिके कथय क्वते पितरो बालिके बताओ क्वते पितरु तुम्हारे माता पिता कहा है कथम एतस्मिन आश्रम प्रांते समायाता और तुम इस आश्रम के प्रांत में इस आश्रम के परिवेश में तुम कैसे पहुंच गई हो किमते कष्टम तुम्हें कौन सा कष्ट है क्या दुख है कथम अरोधी क्यों रो रही हो किम वांछसी क्या चाहती हो किम कुर क्या करें हम आपके लिए इति इस प्रकार पृष्ठा पूछे जाने पर मुग्धा मुग्धतया उस बालिका ने बड़े ही सरल भाव से सौम्य भाव से अपरिकलित वाक्पाटवा वाक्पटुता प्रायश हम देखते हैं कि वह शिक्षा के माध्यम से निरंतर प्रयास के माध्यम से आ पाती है लेकिन वह मुग्ध बालिका वह स्वभाव सिद्ध बालिका कैसी थी अपरिकलित वाकपाटवा उसमें किसी भी प्रकार की बोलने की चतुराही नहीं थी वह भय न विशिथिल वचन विन्यासा भय की वजह से उसके जो वचन विन्यास थे उसके श, श, शब्द संयोजन था शब्दों का उच्चारण क्रम था वह विशिथिलता अर्थात इधर उधर बिखरा हुआ था लज्जया अतिमंदस्वरा और शर्म के वजह से लज्जाने की वजह से शर्माने के कारण अति मंद स्वर में बहुत ही धीमी आवाज़ में वह बालिका बोल रही थी और वह क्या बोलती है आगे हम पढ़ेंगे शोके ना अवरुद्धा शोक की वजह से दुख की वजह से उसका कंठ जो है वह रूंधा हुआ था उसके कंठ से आवाज़ निकल नहीं पा रहे थे ऐसा लग रहा था मानो कंठ में शब्द फंसे हुए हों हु। चकित चकितेंव यहाँ पे हम यमक अलंकार का प्रयोग देखते हैं चकित चकिते व एक समान शब्द प्रयोग हो रहे हैं लेकिन फिर भी इनमें अर्थवैविध्य में दृष्टिगोचर होता है चकित होकर के वह चकिता कथम कथम अपि किसी प्रकार से अबोदयत हमें आसमान अबोदयत हमें वह इस प्रकार से बताने लगी इस प्रकार से उस बालिका ने बड़े ही मंद स्वर में बताया कि ऐसा वह अस्मिन निदीय व ग्रामे यह जो निकटस्थ नेदीय यानी निकटस्थ निकट में स्थित ग्राम की वह निवासी है वसत कस्यापि ब्राह्मणस्य से तनया अस्ती उस गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की वह बेटी है तनया है आइए इसके कुछ विशेष शब्दों को समझते हैं अपरिकलित वाक्पाटवा अर्थात पटुताया भाव पाटव पाटवत्व पाटव और वाच पाटव वाक्पाटव वाची पाटवत्व वाची पाटव वाक्पाटव इस प्रकार तत्पुरुष समास पुनः परिकलितः वाक्पाटव यस्यासा सा न परिकलित वाक्पाटवा अपरिकलित वाक्पाटवा एवं अन्ते न तत्पुरुषेण अयम् शब्द सिद्धति। विशिथिल वचन विन्यासा विशेषेण शिथिल विशिथिल वचनानां शब्दानां विन्यासः क्रमः वचनविन्यासः उच्चारणं विशिथिलः वचनविन्यासः यस्याः सा विशिथिलवचनविन्यासा अन्ते बहुव्रीहिः अतिमन्दस्वराः अतिमन्दःस्वरः यस्याः सा अतिमन्दस्वराः अति एवमत्र बहुब्रीहिसमासः वर्तते रुद्धकण्ठाः रुद्धः कण्ठः यस्याः सा रुद्धकण्ठा रूंधा हुआ है गला जिसका जहाँ पर भी यस्य यशा इत्यादि शब्द दिखते हैं वह वह सर्वत्र बहुव्रीहि समास होता है बहुव्रीहि समास की यह पहचान है नेदीयसी यह समीप के अर्थ में शब्द प्रयोग हुआ है अंतिक शब्द से यसुन प्रत्यय करने पर नेदीयस यह शब्द बनता है अंतिक बाढ़ोर नेद साधौ इतन सूत्रेण अंतिक स्थाने नेद आदेश बहुत अथ चयसुन प्रत्यय नेदीयस नेदीयसी अस््यखंडे भयाकुल बालिकाया सुंदरम वर्णन विद्यते इस संपूर्ण हमने जो अभी खंड पढ़ा है उस डरी हुई बालिका का कवि ने जो वर्णन किया है प्रत्येक डरे हुए व्यक्ति का डरे हुए किसी भी व्यक्ति विशेष का जो स्वरूप हो सकता है उसे यह कवि ने बहुत ही सुंदर रीति से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है आइए आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर ततश्च मया क्रोडे उपविश्य उपवेश्य बालिके कथय क्व ते पितरौ अग्रेसरामः एनां च सुन्दरीम् आकलय्य कोऽपि यवनतनयो नदीतटान् मातुर्हस्ताद् आच्छिद्य क्रन्दतीं नित्वा अपससार ततः कञ्चित् अध्वानम् अतिक्रम्य यावद् असिधेनुकां सन्दर्श विभीषिकया अस्क क्रंदनकोलाहल अकस्मात् कोपि कालकंबल इव भल्लुको वनाताद उपजगाम दृष्व यवनतन असौ शालमलीतरुम कन्यां शालीतरूम एक आरोह विप्रतनया चशपलाश्रेण्या प्रवेश गुणाक्षर न्यायन इतव सवदन पुना रोदी आरब्धवतीद एव आनीता आइए इसके सरलार्थ को समझते हैं एनामच सुंदरिम आकलय्य इस बालिका को सुंदर के अत्यंत सुंदर वह बालिका थी इस प्रकार जब उस सुंदर बालिका को देखता है वह कोपी यवनतनय कोई जो यवन युवक था जब इस सुंदर बालिका को देखता है और जानता है कि यह अत्यंत सुंदर बालिका है तब नदी तटात नदी के तट पर मातुर हस्तात उस बालिका के माँ के हाथ से आच्छेद्य छीन करके क्रंदती में रोती हुई नीतवा रोती हुई बालिका को लेकर के अपससार वहाँ से निकल पड़ा भाग गया वह जो यवन युवक था वह इस बालिका के माँ के हाथ से इस बालिका को छीनता है उसकी माता नदी के तट पर अपना कार्य कर रही होती है और उनके माता के हाथ से इस बालिका को जो कि अत्यंत सुंदर थी और उसे सुंदर मान करके वह यवन युवक उस बालिका को ले जाता है ततः कंचित अध्वानम अतिक्रम्य जैसे ही वह वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है कुछ मार्ग अध्वानी मार्ग कुछ मार्ग आगे बढ़ पाता है तभी अतिक्रमण करता है उसे पार करता है उसी समय यावद असी धेनु काम संदर्श तभी वह क्या करता है असी चूरी का यानी छुरी का छुरी का संदर्श दिखा करके विभीषिकया डरा करके अस्याहा क्रंदन कोलाहलम शमय तुम ये जैसे तैसे छुरी का दिखा करके इस बालिका को डर के मारे उसके क्रंदन को उस उसके रोने की आवाज़ों को कोलाहल को शोर को वह शांत करना चाहता है समय तुम ये शह यवन युवक उस बालिका को किसी प्रकार डर के मारे शांत करना चाहता है तावत अकस्मात तभी उसी समय अचानक से कोपी काल कम्बल इव भल्लुक वनांताद उपजगाम कोई काल कम्बल के समान काल कम्बल काल का अर्थ यहाँ यम से भी लिया जा सकता है मृत्यु से भी लिया जा सकता है कि मृत्यु के समान कंबल वाला वह मृत्यु के कम्बल के समान वह भल्लुक भल्लुक यानी भालुवहा वनांताद उपजगामा अचानक से उस यवन युवक के सामने उपस्थित हो जाता है आ जाता है दृष्टवा एव देख कर ही यानी उस भल्लुक को देख करके ही उस भालू को देख करके ही यवन तनय असौ वह जो यवन युवक था वह तत्र त्यक्तवा इमा कन्या काम इस बालिका को वहीं पे छोड़कर जैसे ही वह देखता है कि यमराज के समान वह भालू उसके सामने आ जाता है वन से तभी क्या करता है वह इस कन्या को वहीं पर छोड़ देता है और शालमली तरुम एकम आरोह एक शालमली के तरु पर एक शालमली वृक्ष पर वह चढ़ जाता है विप्रतनयाचम और यह विप्रतनया यह विप्र बालिका पलाश पलाशी श्रेण्याम पलाश, पलाश का अर्थ है हम सभी जानते हैं जिसे टेसू कहा जाता है सामान्य भाषा में उस पलाश वृक्ष के पलाश शब्द यहाँ उन फूलों के लिए, हैं और के लिए। है और पलाशी शब्द यह वृक्ष के लिए पलाश यह विशेषण है और पलाशी विशेष्य हुआ पलाश पलाशी श्रेण्याम यहाँ पे यमक अलंकार भी है पलाश पलाशी श्रेण्याम पलाश के वृक्षों की श्रेणियों में यानी समुदाय में प्रविश्य वह घुस करके वह बालिका प्रवेश करके घुणाक्षर न्याय न घुणाक्षर न्याय यहाँ पे अवगंतव्य है समझने योग्य है गुणाक्षर न्याय से वह इत एव समायाता यही पर वह पहुंच गई इसी आश्रम के प्रांत में आश्रम के जो परिवेश था वहाँ पर वह पहुँच गई यावत भय न पुनः तुम आरब्धवती और जब जब वह पुनः भय की वजह से रोना प्रारंभ कर देती है तावत तभी अस्मत्ण एव आनीता इति और तभी हमारे छात्र ने उसे यहाँ पर तभी हमारा छात्र उसे यहाँ पर ले आता है आइए इस मूल पाठ के कुछ विशेष शब्दों को हम समझते हैं कालकम्बल कालश्चासो कम्बल काल कम्बल कर्मधारय यहाँ समास है और कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य में होता है उपमान उपमेय में होता है यह विशेषण विशेष्य के रूप में हम ग्रहण करेंगे पलाश पलाश श्रेण्याम पलाशाह किंचुका पलाश वृक्ष है टेसु जिसे हम सामान्य भाषा में कह रहे हैं पलाशा चमीपलाशिन्या पलाश पलाश यहाँ पे भी कर्मधारय हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी विशेषण विशेष भाव है तेजा पलाश पलाशपलाशिना श्रेणी पलाश पलाशपलाशिश्रेणी पलाश तस् पलाशपलाशिश्रेण्या पलाश आत्म आत्मजस्तनय सूनु पुत्रह, पुत्रह, हा पुत्र सूता पुत्र इत्यादय शब्द सही पुत्र कृते पुत्र के लिए तनय शब्द था आत्म शब्द था सुनु, सूत ये सभी शब्द जो है पुत्र के लिए प्रयोग होते हैं अपत्य इत्यादि अर्थ में प्रयोग होते हैं अयनम वर्त्म मार्ग अध्व पंथान ये सारे शब्द मार्ग के लिए प्रयोग होते हैं रास्ते के लिए सड़क के लिए ये सभी शब्द अमरकोश में विद्यमान है ये सभी शब्द समानार्थक हैं हम इसी के साथ साथ कुछ शब्दावली भी नई सीखते रहेंगे छुरी का च असी का असी धेनु का जो शब्द आया था उसका सामान्य अर्थ है छुरी का यानी छुरी छोटी जो होती है जो बड़ी होगी वो असी यानी तलवार होगी और जो छोटी है वह असी धेनु का यानी छुरी का होगी पलाश पलाश श्रेण्याम यमक अलंकार यथा मैं पूर्व मुक्त तत्र यथा नवपलाश पलाश वनम यमकलकार से अयम सुंदरम उदाहरण इदम सुंदरम उदाहरणमस्तुणाक्षर न्याय समझने योग्य है कई बार क्या होता है लकड़ियों में कुछ जिसे हम दीमक कहते हैं कीड़े वह लकड़ी को काटते हुए काटते हुए कई बार शब्दों जैसी कुछ वर्णों जैसी आकृतियाँ कर देते क ख ग इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ बना देते हैं उसे ही घुणाक्षर न्याय कहा गया है कि जो बिना किसी पूर्व प्रयोजन के बिना बिना किसी पूर्व योजना के अनायासी जो घटना घट गट जाती है उसे घुणाक्षर न्याय कहा जाता है तो वह बालिका भी बिना किसी प्रयोजन के बिना किसी पूर्व योजना के अनायासी आश्रम के जो परिवेश था आश्रम का जो प्रांत था उसमें वो प्रवेश कर जाती है अतः यह घुणाक्षर न्याय से उसकी तुलना की गई है आइए आगे बढ़ते हैं कवि के विशेष मंतव्य को आगे समझते हैं मूल तत्र वर्तते तदाकरण्य ज्वलित इव योगी प्रोवाच विक्रमराज्ये कथम एष दुराचाराणाम उपद्रवः अतः तत स उवाच महात्म क्वाधुना विक्रमराज्यम वीर विक्रम से तो भारतभुव विरह्य गये व्यतीतानि सप्तशतका व्यतीता क्वाधुना मंदरे मंदिर जय, जय व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा क्वाद्यापि क्वाद्या मठे मठे वेद ही वेदा विच्छिद्य विच्छिवीथीसु विक्षिप्य धर्मशास्त्राण उूय धूमध्वजेषु उध्मा पुराणा पिश्वा पानीयु पात भाष्या भ्रंशय्वा भ्रष्ट्रेस भर्जे क्वचि मंदरा तुलसीवनानि क्वचि तुल्सिवनाचिदारा अपह्रीय क्वचि धना लुठ्य क्वचि आर्तनाद क्वचि रुधिधारा क्वचि अग्निदा क्वचि गृह निपता इतव श्रूयते च परिता बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है आइए इस मूल पाठ के सरल अर्थ को हम जानते हैं तदा कर्ण इस घटना को सुनकर के इव कोप, कोप रूपी क्रोध रूपी ज्वाला से जले हुए के समान प्रदीप्त के समान योगी प्रोवाच वह योगी महाराज प्रोवाच कहते हैं विक्रमराज्येपी वीर विक्रमादित्य के राज्य में भी कथम एष पातकमय दुराचाराण उपद्रव कैसे यह पातकमय अत्यंत पापकर्मयुक्त दुराचारमय यह जो उपद्रव है यह जो सप्तर्भ अस्त व्यस्तता जो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ क्या विक्रम वीर विक्रमादित्य के राज्य में भी इस तरह का पातकमय इस तरह का पापमय दुराचरण हो रहा है इस पर ततः इसके पश्चात स उवाच वह ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं महात्मन हे महात्मा राज्यम विक्रम विक्रमराज्य अब कहा है वीर विक्रम से तो भारतभुव विरह्य गये वर्षाण सप्तशतका व्यतीता अर्थात वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि को छोड़े हुए वर्षाण सप्त सप्तश सत्रह शतक सौ 1700 सौ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं व अधुना मंदिरे मंदिरे, जय जय ध्वनि ही इसके माध्यम से हम स, दोनों ही चीज़ें समझ सकते हैं एक तो वीर विक्रमादित्य के राज्य में किस तरह का जो यहाँ पे वर्णन है इसके विपरीत चीज़ें उस समय होती रही होंगी जैसे मंदिरे मंदिरे, जय जय ध्वनि उस समय भारत भूमि में होती रही है परंतु अधुना नहीं हो रही आजकल वह नहीं है कवि यह कहना चाहता है इस, इस पूरे प्रसंग के माध्यम से वह दोनों ही राज्यों की जो व्यवस्था है उसे सबके सामने कवि प्रस्तुत करता है कहता है कि अधुना आजकल मंदिरें मंदिरें जय जय ध्वनि आजकल कहाँ मंदिरों में जय जय की ध्वनि हमें सुनाई देती है क्व्रति तीर्थ है तीर्थ है घंटा नाद कहाँ आजकल प्रत्येक तीर्थ पर घंटाओं की नाद घंटाओं की आवाजें हमें सुनाई देती हैं व अद्यापी मठे मठे वेद घोष जो मठ थे जो ब्रह्मचारियों के आश्रम थे गुरुकुल थे उनमें कहाँ अब वेद घोष हमें सुनाई दे रहा है अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथीशु विक्षिप्यं थे आजकल क्या होता है तो कहाँ वेदा हा, जो वेद है जो ज्ञान राशि है जो भारत की संस्कृति की आधारभूत है उन्हें विच्छिद्य फाड़ करके वीथीशु गलियों में विक्षिप्यंते बिखेर दिया जाता है फेंक दिया जाता है धर्मशास्त्राणी उद्धूय जो धर्मशास्त्र हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रणीत लिखे हुए हैं रचना की है जैसे मनुस्मृति याज्ञवल्क स्मृति इत्यादि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उन्हें उद्धूय धूमध्वजेशु ध्मायंते उन्हें उछाल करके धूमध्वज यानी अग्नि धूम ही है ध्वज जिसका धूम यानी धुआ, धुआ धुआ जिसकी ध्वजा होती है वह अग्नि उन धूमध्वज में उन अग्नियों में धमायंते जलाए जा रहे हैं पुराणानी पिष्टवा पुराणों को पीस कर श्रीमद भागवत आदि जो हमारे अठारह पुराण मुख्य वर्णित हैं उन पुराणों को पीस करके ये शुपात्यंत जलों में फेंका जा रहा है गिराए जा रहे हैं भाष्यानी जो महाभाष्य आदि जो भाष्य ग्रंथ हैं जिनमें समस्त सार निहित होते हैं उन भाष्य ग्रंथों में उन भाष्य ग्रंथों को भ्रंशयित्वा भ्रष्ट करके यानी जिसको आजकल की सामान्य भाषा में भाड़ कहा जाता है उसमें भरजनते भून दिए जाते हैं क्वचित मंदिरानी भिद्यंते कहीं पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है क्वचित तुलसी वनानी छिद्यंते कहीं पर तुलसी के वनों को काट दिया जा रहा है क्वचित दारा अपरहीनते कहीं पर दारा यानी पत्नियों को धर्म पत्नियों को चुराया जा रहा है क्वचित धना नहीं कहीं पर धनों को लूटा जा रहा है क्वचित आर्त हाँ कहीं पर हमें आर्त यानी दीन ही नाद आवाजें चित्कार सुनाई दे रही है क्वचित रुधिर धारा कहीं पे हमें रुधिर यानी रक्त की धाराएँ रक्त का प्रवाह देखने को मिल रहा है क्वचित अग्निदाह कहीं पर अग्नि में जलाया जा रहा है क्वचित गृह निपाता कहीं पर घरों को तोड़ा जा रहा है इत्तेव यही सब कुछ श्रूयते अवलोक्यते चपरित चारों ओर हमें सुनाई दे रहा है चारों ओर हमें दिखाई दे रहा है इस संपूर्ण गद्य पाठ में इस संपूर्ण गद्य खंड में कवि ने उस यवन शासन में जो अवस्था इस भारत भूमि की थी उसे संक्षेप में बताने का प्रयास किया है और यह भी साथ में बताने का प्रयास किया है कि विक्रम राज्य में इसके ठीक विपरीत यानी उस समय मंदिरों में जय जय की ध्वनि हमें सुनाई देती थी प्रत्येक तीर्थ पर घंटा नाद सुनाई देता था मठों में वेद घोष होता था और वेदों की उस समय बड़ा ही आदर होता था धर्मशास्त्रों का अध्ययन होता था पुराणों का पुराणों को आत्मसात किया जाता था भाष्यों का आमनन होता था मंदिरों का ध्यान आदि जो हमारे नित्य नैमित्त क्रियाएँ थी उन्हें किया जाता था तुलसी का सम्मान किया जाता था यह सारी चीज़ें होती थी धर्मपत्नियों का सम्मान होता था धनों का धनु को सर्वत्र समान अवस्था में संकीर्णन होता था और कहीं पे भी आर्तनाद नहीं थे कहीं धारा नहीं थी कोई कहीं पर अग्निदाह नहीं था कहीं गृह निपात नहीं था प्रत्येक स्थान पर हमें सभी तरह से सुव्यवस्था विक्रम राज्य में देखने को मिलती थी यह कवि का आशय है लेकिन वर्तमान समय में इस यवन राज्य में इसमें से सब विपरीत ही दिखाई देता है आइए इस मूल पाठ के कुछ अन्य शब्दों को समझते हैं कोपस्य ज्वाला कूपज्वाला पुनः तया कूपज्वाला ज्वलिता कूपज्वाला षष्ठी षष्टीतुषा तदनु तृतीय तत्पुषा अृहमें गृह गेह वसी वेश्मेतन इत्यादी अमरकोशे पातकमय पातकशब्द मयट प्रत्यय पातकमय शब्द सिद्ध्य दारा दृविदारणे उणिचि प्रेरणार्थे उणिचि कृते तदनु कृते दारा तदनुघय अत्र विशेषः दारा अक्षत लाजा असू असू यानी प्राण ये सभी शब्द जो है बहुवचन है और यह पुल्लिंग प्रयोग है दारा का अर्थ पत्नी है यह प्रयोग यह सभी शब्द हमेशा पुरलिंग होते हैं और नित्य बहुवचन में होते हैं दारा है अक्षत है जिनके माध्यम से तिलक आदि होती है लाजा है और असु यानी प्राण है अस्म सर्वत्र प्रसादो गुण वैधर्बीज रीति दरिदृश्य बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है आइए आगे बढ़ते हैं अग्रेसरा तत्र मूल पाठ वर्तते तदाकण्य दुखितक योगिराड उवाच कथम एक ह्य एव पर्वतियान शकान विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान् आदित्यपदलाञ्छनो वीरविक्रमः अद्यापि तद्विजयपताका मम चक्षुषो रग्रतः इव समुद्धूयन्ते अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णशष्कुलिं पूरयतीव तत् कथमद्य वर्षाणां सप्तदशशतकानि व्यतीतानि इति आइए इस गद्य खंड के मूलार्थ को समझते हैं तद आकरण्य योगीराज जब ब्रह्मचारियों के गुरु के मुख से इस प्रकार की अवस्था को सुनते हैं तब वो कहते हैं और उन सब को सुनकर के दुखित होकर के और आश्चर्यचकित होकर के योगीराज कहते हैं कथम ये यह कैसे यह एवं कल ही बीते कल की ही बात है पर्वतीय शकान विनिर्जित्य जो पर्वतीय शक राजा थे हून थे उनको जीत करके महता जय घोषण बड़े ही ऊंचे स्वर में जय घोष के साथ अपनी राजधानी को उज्जैनी में उनकी राजधानी थी विक्रमादित्य के उस राजधानी को श्रीमान आदित्य पदलांचना वीर विक्रम आदित्य इस पद को विभूषित करते हुए वीर विक्रम ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया था अद्यापि आज भी तद विजय पताका उनकी जो विजय पताका है मम चक्षुषा चक्षुषो अग्रता मेरी आँखों के सामने समुद्धूयते अभी भी फहरा रही हैं अधुना भी तेजा पटह गोमुखादीनाम निनाद आज भी उनके द्वारा जो तुरह होते हैं गोमुख आदि जो होते हैं उनकी निनाद उनकी आवाजें कर्ण शशकुलिम पूर वह हमारे कान के इस शशकुली को आज भी भर रहे हैं यानी वो आवाजें आज भी सुनाई दे रही है तत्कथम अद्य वर्षाणाम सप्तश शतका व्यतीत तो भला कैसे सत्रह सौ वर्ष व्यतीत हो गए इसकी कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं आइए इस मूल पाठ में जो कुछ विशेष शब्द आए हैं उनको समझते हैं दुखित शब्द आया है इसमें दुख शब्द से इतच प्रत्यय करने पर दुखित शब्द बनता है आदित्य पदलांचन आदित्य पदम आदित्य पदम तदेव लाछनम य स आदित्यपद लाछन तत्पुरुष समास के अनंतर बहुव्री समास यहाँ पर लाछन जो शब्द प्रयोग हुआ है उसके लिए कलंक अंक लाछन चिन्ह लक्ष्म लक्षण ये सभी शब्द जो है समान अर्थ में प्रयोग होते हैं सम उपसर्ग पूर्वक समसर्गपूर्वक उत्उपसर्गपूर्वक धूय कंपने इस धातु से लट लकार हुआ है और आत्मने में यह रूप सिद्ध हुआ है और यहाँ सर्वत्र हमने देखा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है ठीक है इस द्वितीय भाग में हम इस गद्य खंड को यहीं तक छोड़ते हैं अगे आगे पुनः मिलेंगे धन्यवाद